मित्रों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों का फल स्वर्ग और नरक के हिसाब से मिलता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किसी रूप में जन्म लेता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों का फल स्वर्ग और नरक के हिसाब से मिलता है। वहीं व्यक्ति के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। आइए जानते हैं अगले जन्म को लेकर क्या कहता है गरुड़ पुराण। मित्रों, माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। मित्रों, जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान करता है, उसका ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूटपाट, जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले अगले जन्म में किसी कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। मित्रों, जो लोग महिलाओं का शोषण करते या कराते हैं, वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल, कपट और धोखा देते हैं, वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। मित्रों, अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। स्त्री की हत्या, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म चांडाल योनि में ही पैदा होते हैं। मित्रों, उपरोक्त दंड के अलावा और भी अन्य सजा ईश्वर हमें देते हैं, इसलिए अपने जीवन में हमें सभी कार्यों को करने से पहले एक बार जरूर सोच करके करना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका।